नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यह हमारा ज्योग्राफी का 14 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड कंटिनेंट, ये जियोमॉर्फोलॉजी के तीन लेक्चर और फंडामेंटल ज्योग्राफी, इतना पार्ट ज्योग्राफी का पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं माउंटेन बिल्डिंग, उसके अंदर हम देखने वाले हैं माउंटेंस, प्लेट्यू और प्लेन्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड कंटिनेंट, जिसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी थी, उसको एकदम दो मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, हमने एक स्टोरी को कंटिन्यू किया था, उसमें हमने देखा था कि अल्फ्रेड वेगनर नाम का एक आदमी था जिसको ये जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया में ओशन और अर्थ कैसे बने। तो उसने अपनी एक थ्योरी बनाई, उस थ्योरी का नाम था कंटिनेंटल ड्रिप थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग उसने बोला कि ये अर्थ पे जितने भी छोटे 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 लैंड मास से अलग अलग कंटिनेंट है, ये सब एक टाइम ऐसा था पूरा कुछ मिलियंस ईयर अगो, ये सारा एक सुपर कंटिनेंट था और साइड में एक ही ओशन था जिसका नाम था तेतीसी, और इस सुपर कंटिनेंट का नाम था पेंजिया, और पेंजिया के वापस बाद में दो टुकड़े हो गए, दो हिस्सों में बट गए, एक का नाम था लोरेशिया, दूसरे का नाम था गोंडवाना, और इंडिया है गोंडवाना का पार्ट। तो इसने अपनी थ्योरी प्रूव करने के लिए कुछ प्रूफ दिए जो कि लोगों को कन्विंस करने के लिए इनसफिशिएंट थे, तो इसकी थ्योरी को डिसकार्ड किया गया। उसके बाद दूसरा आया था साइंटिस्ट, उसका नाम था अल्थरोम्स, इसने अपनी अलग ही थ्योरी दी। इसने बोला अल्फ्रेड वेगनर की जो बात है वो तो सही है कि ये जो अलग अलग कंटिनेंट है ये एक ही लैंडमास का पार्ट थे, पहले शुरू में एक ही लैंडमास था, पर इसने बोला कि अल्फ्रेड वेगनर के जो प्रूफ है वो नॉन कन्विंसिंग है, इसलिए इसने अपनी एक थ्योरी बनाई जिसका नाम था कन्वेक्शन करंट थ्योरी। इसने बोला अर्थ के अंदर जो मेंटल है, मेंटल के अंदर कुछ तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस गर्म होने की वजह से कुछ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी वजह से कुछ तो घूमता है। उसने ये नहीं बोला था वो प्लेट है, इसने बोला कुछ तो उस करंट होती है कन्वेक्शन करंट जो कि घूमते अलग अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो पार्ट है सरफेस वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ऐसे इसने बोला था। इसने इतने डिटेल में नहीं बोला था, बस इसने बोला था कि अर्थ के मेंटल में कन्वेक्शन करंट होते जो कि अपोजिट डायरेक्शन में घूमते, बस इतनी चीज़ बोली थी। आगे आया हैरी हेस और डायट्स, ये दो अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसी की कंसेप्ट को उठाया और इसने इस चीज़ को समंदर में ओशन में अप्लाई किया। इन्होंने बोला कि ओशन में अगर दो नीचे प्लेट है, इन्होंने बोला कि प्लेट ओशन के अंदर मेंटल में प्लेट्स होती है, दो प्लेट अगर एक दूसरे से दूर जा रही तो उसके वजह से डाइवर्जन हो जाएगा, और डाइवर्जन होने की वजह से अंदर का जो लावा है वो एस्केप करने की कोशिश करेगा और वो अंदर से यहाँ से क्रश को ब्रेक करके ऊपर आएगा और वो समंदर के अंदर फैल जाएगा, और वो जो फैलेगा उसके वजह से एक चीज़ बनेगी जिसको बोलते हैं मिड ओशन क्रीज, और ये चीज़ कंटिन्यू लगातार चलती रहेगी, मतलब ओशन के बीच में से ऐसे हर जैसे अंदर नीचे की प्लेट एक्टिव हो जाएगी, प्लेट का डाइवर्जन, दो प्लेट का डाइवर्जन होगा, उसके अंदर से मैग्मा बाहर आएगा और इन द फॉर्म ऑफ लावा ऐसा फैल जाएगा और मिड ओशन रिज बनेगी। तो ऐसे में हमने देखा था मिड ओशन रिज देखा था, फिर बाद में वापस दूसरी रिज बनेगी तीसरी, तो पहले रिज दूसरी अलग अलग जाएगी, और जैसे अलग अलग जाएंगी तो ये जब लावा ठंडा हो जाएगा ना, तो लावा ना अगर ये जो लावा होता है ये अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो जाए, और जब वो ठंडा हो जाता है ना तो वो अपने सराउंडिंग की जो मैग्नेटिज्म है उसको अडॉप्ट कर लेता है, एक तो वो नॉर्थ पोल पे अट्रैक्ट होगा या साउथ पोल पे अट्रैक्ट होगा। तो ये जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स अगर अपने रॉक्स जो होती है इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है उसका जो स्टडी है उसको बोलते हैं पहले मैग्नेटिज्म, ये हमने देखा था, ये वाइंस और मैथ्यू इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया था। अब ये जो अल्थर होम्स की जो थ्योरी थी, कौन सी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, और हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इसमें मिड ओशन क्रीज वाली, इन दोनों को मिला के ये विलियम मॉर्गन से इसने अपनी एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो इसको देखो, यहाँ पे ये हमने देखा था कन्वेक्शन करंट थ्योरी, पहले मैग्नेटिज्म, और लास्ट में देखी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या थी, एकदम शॉर्ट में देखते हैं, उसमें तीन चीज़ें थी, सबसे पहले क्या था कि डाइवर्जन ऑफ प्लेट बाउंड्री, दूसरा था कन्वर्जन ऑफ प्लेट बाउंड्री, और तीसरा था ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जन में क्या होता है, अगर वो ओशन में हो जाए और वो कंटिनेंट पे हो जाए, अगर ओशन में अगर प्लेट का डाइवर्जन हो जाए तो मिड ओशन रिज बनेगी जो अकॉर्डिंग टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के हिसाब से, और अगर वही चीज़ कंटिनेंट के नीचे अगर डाइवर्जन होगा प्लेट का तो क्या होगा, सबसे पहले रिफ्ट वैली बनेगी, अफ्रीकन एग्जांपल है अफ्रीकन रिफ्ट वैली, उसके बाद नासेंट सी बनेगा और उसके बाद उसका ओपन सी बनेगा। ये सारा आप प्रीवियस लेक्चर का, अगर आपने ये देखा नहीं तो प्रीवियस लेक्चर की वीडियो में देखिए, ये होगा डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री में, ये हम इसके तीन टाइप देख रहे हैं, इसको तीन टाइप में दिया गया है। उसके बाद कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, अच्छा कन्वर्जन तीन टाइप का, वापस कन्वर्जन में क्या है, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जन, उसके बाद ओशनिक कंटिनेंट कन्वर्जन, उसके बाद कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्जन। अगर ओशनिक ओशनिक कन्वर्जन हो रहा है तो उससे सीरीज ऑफ आइलैंड बनेगी, ओशन कंटिनेंट कन्वर्जन हो रहा है तो उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से ये जो है माउंटेंस बनेंगे, कहाँ पे मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट, उसके बाद मार्जिन माउंटेंस बनेगी,
और कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्ज हो रहा है तो उसके वजह से फोल्ड माउंटेन बनेगी। और लास्ट में देखा था ट्रांसफर बाउंड्री, अगर दो प्लेटें वो एक दूसरे को स्लिप मार रही बस, तो उसके वजह से बस एक फॉल्ट बनेगी। ये चीज़ आप प्रीवियस वीडियो में, मैंने एकदम हमारे 40 मिनट की वीडियो देखी थी उसमें एकदम डिटेल में देखा था। तो इस तरह से हमने ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को कवर किया था। अब अगर ओशन ओशन कन्वर्जन है, ओशन कंटिनेंट है, डाइवर्जन कन्वर्जन कुछ भी हो, हर एक में चीज़ अर्थ पे आएगा। ये लास्ट लेक्चर में आपको एकदम सही से फुटबॉल का एग्जांपल लेके बताया था मैंने आपको कि अगर अर्थ के अंदर प्लेट में कुछ भी हलचल हो रही तो उसके ऊपर अर्थ में तो आना ही आना है। बस देखो ये जो चीज़ है इसमें ओशनिक ओशन कन्वर्जन डाइवर्जन, उसमें मैग्मा बाहर आएगा, ओशनिक कंटेंट कन्वर्जन इसमें भी वोल्केनो बाहर आएगा, ये वोल्केनिक माउंटेन बनेगी, जो माउंटेन बनेगी। पर ये जो है ना इसमें इसमें वोल्केनो नहीं आता और ट्रांसवर्स में भी वोल्केनो नहीं आता समझ, बाकी सब में अर्थक्वेक आता है, इसमें दोनों में अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों में आता है। तो इस तरह से हमने ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको एक बार देख लिया। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है देखो वो माउंटेन बिल्डिंग, जिसमें हमें तीन चीज़ें देखनी, क्या क्या देखना है उसमें, हमें तीन टाइप के लैंडफॉर्म देखने। अब हमने सबसे शुरू में देखा जो मॉर्फोलॉजी में क्या देखा, अर्थ के हमने पहले लास्ट लेक्चर एकदम शुरू में ज्योग्राफी जब स्टार्ट किया तो पहले चैप्टर था हमारा फंडामेंटल ज्योग्राफी। तो फंडामेंटल ज्योग्राफी में हमने क्या देखा, पूरा सोलर सिस्टम देख लिया उसमें हमने। उसके बाद हम अर्थ पे आए दूसरे में जियोमॉर्फोलॉजी में, अब हम अर्थ की जियोमॉर्फोलॉजी देख रहे हैं उसमें हमने अर्थ के अंदर घुस गए, अर्थ के अंदर इंटीरियर में क्या है, रॉक वॉक वो हमने सब देख लिया, उसके क्लासिफिकेशन। पहले तो अर्थ के अंदर इंटीरियर में देखा कोर मेंटल और क्रस्ट, उसके बाद हमने ये उसमें कौन से मिनरल वगैरह वो देख लिया, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, तो रॉक ये इग्नेशियस रॉक सेडिमेंटरी रॉक, उसके बाद हमारा मेटामॉर्फिक रॉक ये रॉक देख लिया। लास्ट लेक्चर में हमने ओशन कैसे बने और कंटिनेंट कैसे बने ये देख लिया। अब हमें देखना है कि ये जो तीन चीज़ें ना इससे भी आप पे ज़्यादातर इसका यूज करके हमें ये देखना है अभी आगे के लेक्चर में कि ये माउंटेन बिल्डिंग कैसे बनती है। देखो ये माउंटेन कैसे बनते हैं, प्लेटो कैसे बनते हैं और ये प्लेन्स कैसे बने। तो ये प्लेन्स जैसे अभी बड़े बड़े माउंटेन है ये पहले से थे क्या जमीन पे, पहले से नहीं थी, इसमें जमीन के अंदर कुछ केमिकल मतलब अंदर कुछ लोचा होगा ये वाला प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला, और उसके वजह से कुछ लैंड ऊपर उभर गए उससे माउंटेन बने, प्लेटो बने और प्लेन्स बने। अब हमें ये ऊपर ऊपर देख रहे हैं बस हम, अब इसको हमें डिटेल में देखना हर एक को कि माउंटेन कैसे बना, कौन सा ओशन कंटिनेंट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो हमने देखा डाइवर्जन हुआ या कन्वर्जन हुआ, कौन सी प्लेट थी, ओशनिक थी या कंटिनेंट थी, ये सारी चीज़ों का सहारा लेके हमें ये तीन चीज़ें आज देखनी। तो ये दुनिया भर के माउंटेन कैसे बने ये सारा देखना है, पूरे वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं हम ये सारी चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माउंटेंस क्या होते हैं। माउंटेंस देखो यहाँ पे लिखा है माउंटेंस इज एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ अगर ऐसा प्लेन सरफेस है अगर उसमें कुछ ऐसी उठी हुई चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माउंटेन। ये देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे ग्लेशियर है, ये देखो कितने बड़े बड़े माउंटेन है, ये देखो यहाँ पे। अब क्या होता है और चीज़, लैंड समिट स्मॉल समिट लैंड विथ लार्ज बेस। तो समिट मतलब क्या होता है, देखो ऐसे अगर कोई ऐसा ऊपर जाके सर्कल, देखो ये वाला अगर ये देखो इसको बोलते हैं समिट, तो अगर ऐसे कोई लैंड है जिसके ऊपर समिट है विथ लार्ज बेस, नीचे देखो ये बेस इतना बड़ा बेस है उसका और ऊपर ऐसे लार्ज समिट है, उस चीज़ को बोलते हैं माउंटेंस। और जैसे उस पर अगर माउंटेन पे जैसे वी गो हायर हायर क्लाइमेट बिकम कोल्ड, वी गो हायर क्लाइमेट बिकम कोल्डर, जैसे उसके ऊपर जाएंगे आप देखो क्योंकि क्यों जाएंगे, हमने ये क्लाइमेटोलॉजी में देखा था, वापस हम आगे देखने वाले क्योंकि ना हम अभी यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर पे और ऊपर जो है ट्रोपोस्फीयर की प्रॉपर्टी ऐसी है कि विथ इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो माउंटेंस होते हैं 6-6, 4-5 किलोमीटर लंबे होते मतलब हाइटेड होते हैं, जैसे आपने माउंट एवरेज देखा वो तो 8 किलोमीटर है। तो ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है जैसे ऊपर ऊपर जाओगे विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। तो ये इसमें इन्होंने ये लिखा है कि माउंटेन में क्या होता है जैसे आप ऊपर जाओगे माउंटेन के ऊपर, जैसे अभी आपको काफ़ी पता होगा छोटे छोटे प्लेटो भी होते हैं ना, जैसे महाराष्ट्र में हो कलसू भाई उसके ऊपर गए होगे आप, वहाँ पे क्या होता है पूरा ये होता है बादल बादल छाए होते हैं, या बड़े बड़े फोर्ट है जैसे रायगढ़ उसके ऊपर भी बड़े बड़े जो फोर्ट है जो ज़्यादा हाइटेड है उधर भी एकदम ऊपर जाओगे तो यहाँ पे बादल होते हैं। तो वैसे यही पे वही बोला कि अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो क्लाइमेट ठंडा होता है। सम माउंटेंस आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स कॉल्ड एज ग्लेशियर। अब देखो मुझे एक लड़के ने परसों फोन किया था, उसने मुझे पूछा था सर 12th का लड़का था कि सर ग्लेशियर क्या होता है। अब ग्लेशियर क्या होता है, देखो सम माउंटेंस आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स, परमानेंटली फ्रोजन रिवर मतलब क्या, ये बर्फ वाला जो पानी होता है बर्फ की नदी, ये देखो ये वाली यहाँ पे देखो इसके अंदर ना ये एकदम मतलब लिक्विड एकदम पानी भी नहीं है और पूरा बर्फ भी नहीं, वो वाला जो पानी होता है ना एकदम बर्फ वाला, तो बर्फ की जो नदी होती है ना उसको बोलते हैं ग्लेशियर, समझ गया। तो ये होता है ये माउंटेंस के अंदर बड़े बड़े हाइट पे होता है परमानेंट फ्रोजन जो रिवर होती है ना माउंटेन पे उसको ग्लेशियर बोलते हैं। उसके बाद आगे देखो माउंटेन कितने हैं, चार टाइप के माउंटेन दुनिया भर में जो माउंटेन है उसको जो ये ज्योग्राफर्स हैं इन्होंने चार टाइप में कैटेगराइज किया है, पहला फोल्ड माउंटेन, दूसरा ब्लॉक माउंटेन, तीसरा वोल्केनिक माउंटेन, चौथा है रेसिडुअल माउंटेन। ये वोल्केनिक माउंटेन और ये फोल्ड माउंटेन इसको हमने थोड़ा थोड़ा देखा था किसमें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने वो देखा था उसमें कन्वर्जन में। तो अभी इसको वापस एकदम डिटेल में देखते हैं। अब देखो अब एक बार मैं आपको ना कंसेप्ट समझाता हूँ फोल्ड माउंटेन क्या होता है, सबसे पहला टाइप जो है फोल्ड माउंटेन, तो एक बार कंसेप्ट समझते हैं आगे चलते फिर देखते हैं डिटेल में। फोल्ड माउंटेन मतलब क्या है, देखो ये जो लाइन दिख रही है ये वाली जो वैसे मुड़ी हुई ये पहले एकदम मतलब ऐसी थी वो सीधी थी एकदम, और इसका जो लंबाई थी ऐसा मान लो आपको ये कितनी थी, ये 10 किलोमीटर थी ऐसा हम एग्जाम्पल मान रहे। अब एक ऐसी लाइन है जो 10 किलोमीटर लंबी, अभी देखो ये वाली
पहले कितनी थी 10 किलोमीटर, बाद में क्या होगा इसको इधर से और इधर से दबा दिया और वो कितनी है भाई इसकी हाइट, लंबाई इसकी 8 किलोमीटर हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, 10 किलोमीटर की अगर कोई चीज़ है उसको अगर आप दबा दोगे दोनों साइड से एकदम प्रेशर से हाई लेवल, तो उसने तो मुड़ना ही मुड़ना है, तो एक जगह नीचे जाएगी और एक जगह ऊपर उठ जाएगी ऐसी। ये तो एकदम कॉमन सेंस फिजिक्स का रूल, के अगर अप्लाई फोर्स का रूल अप्लाई करोगे तो देखो ये चीज़ जो थी, अब आप इसको मान लो कि ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, कितनी थी पहले वो थी 10 किलोमीटर, अब इसको दोनों जगह से फोर्स लग गया और जैसे फोर्स लग गया तो ये क्या हो गई, ये दब गई और 10 किलोमीटर क्या होगा, नीचे इसकी प्लेट थी, दो प्लेट थे ऐसे और प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, तो जैसे चढ़ गए इसको दोनों को कंप्रेस कर दिया और जैसे कंप्रेस हो गया नहीं तो ये फोल्ड हो गया और फोल्ड हो गया तो एक पार्ट ऊपर उठ गया इसका और जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। समझ गए आप, देखो इधर देखा है ये क्या क्यों बनता है, ये फोल्ड माउंटेन फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट ऐसा होता है, अगर फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर का क्रस्ट है, इसके अंदर अगर प्लेट है और दो प्लेट अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई कन्वर्ज हो गई, तो अगर ये 100 किलोमीटर का अगर ये 80 किलोमीटर में तब्दील हो गया तो ये एक जगह तो इसके ऊपर उठनी उठनी क्योंकि कंप्रेशन की वजह से, अभी आपको ये समझ गया होगा। तो फोल्डिंग क्या हो जाता है, फोल्डिंग की वजह से अर्थ का जो क्रस्ट है वो शॉर्ट हो जाता है, जैसे हमने देखा 10 किलोमीटर का 8 किलोमीटर गए, फॉर्म्स लेवल्स ऑफ सीरीज ऑफ वेव्स, उसके वजह से क्या होता है वेव्स बनती। अब आप कॉमन सेंस है ना, 10 किलोमीटर की अगर लाइन है उसको अगर 8 किलोमीटर कर दोगे तो एक जगह फोल्ड हो जाएगा और वैसे वेव्स बनेंगे, एक जगह नीचे जाना है एक जगह ऊपर आना है, तो ये कंप्रेशन फोल्ड क्या होता है अर्थ क्रस्ट को शॉर्ट कर देता है और उसकी वजह से बनते हैं फोल्ड माउंटेन। अब क्वेश्चन आएगा दुनिया में जो सबसे यंगेस्ट माउंटेन है वो कौन से, पता है क्या, फोल्ड माउंटेन को सबसे यंगेस्ट माउंटेन बोला जाता है, इसको ट्रू माउंटेन्स भी बोला जाता है। तो आप बोलोगे ट्रू माउंटेन्स है तो फॉल्स कौन से, वो हम आगे देखते हैं, इसको वापस हमें कंपैरिजन करना है एक माउंटेन की टाइप से। तो याद रखो बस इतना कि फोल्ड माउंटेन क्यों बनता है, क्योंकि कंप्रेशन फोर्स की वजह से अर्थ का जो क्रस्ट है वो कंप्रेस हो जाता है, उसके वजह से एक पार्ट ऊपर उठ जाता है और उसी को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। इसके वजह से अर्थ का जो क्रस्ट है वो शॉर्ट हो जाता है, इसको यंग माउंटेन भी बोलते हैं और ट्रू माउंटेन भी बोलते हैं। अब चलो दूसरा, नहीं इसको एक बार और एक चीज़ देखने में, देखो ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया, टेंसाइल और कंप्रेशन फोर्स लगता है, ये भी हमने देख लिया। अभी जो फोल्ड माउंटेन है ये कौन सा कंप्रेशन, मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ही यूज़ करना पड़ेगा ना, वैसे हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो उसको देखो फोल्ड माउंटेन जो है ना, यहाँ पे देखो ये जो लाइन नहीं है ये यहाँ पे, अब देखो इसमें क्या दिया है मैंने, माउंटेंस आर क्रिएटेड ड्यू टू कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री ऑफ बोथ। अब देखो हमने देखा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, हमने क्या देखा था उसके प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी उसमें हमने तीन चीज़ें देखी थी, सबसे पहले क्या देखा था डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफर प्लेट बाउंड्री। अब डाइवर्जन को छोड़ो और ये इसको भी गोली मार दो, बीच वाला कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जन में हमने तीन टाइप देखे थे, क्या क्या देखे थे उसमें हमने देखा था अगर ओशनिक प्लेट है, ओशनिक कंटेंट प्लेट है और कंटेंट प्लेट है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो फोल्ड माउंटेन है ये सिर्फ एक चीज़ की वजह से बनते हैं, उस कन्वर्जन की वजह से। अब कन्वर्जन की फिर यहाँ पे तो तीन टाइप है, फिर कौन से कन्वर्जन की वजह से, ये दो कन्वर्जन की वजह से बनते हैं। अब मुझे बताओ ओशन में अगर दोनों प्लेट ओशन है, ओशन में कन्वर्जन हुआ है वहाँ तो सीरीज ऑफ आइलैंड बनेंगे, वो थोड़ी माउंटेन होंगे, वो माउंटेन का शेप कभी होगा तो उसको हम आइलैंड ही बोलेंगे ना, क्योंकि वो ओशन के अंदर है। वैसे तो यहाँ पे जो दो ये चीज़ें देखो, ओशन कंटेंट कन्वर्जन हो रहा है, कंटेंट कन्वर्जन हो रहा है तो उससे बनते फोल्ड माउंटेन। समझ आप कैसे, ये कंटिनेंट है, ये कंटिनेंट पूरा, इसके नीचे प्लेट है, दो प्लेट है, ये एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ज हो गई, तो मैंने जैसे बताया 10 किलोमीटर अगर 8 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाए तो एक जगह उठ जाएगी बन गया फोल्ड माउंटेन। वैसे यहाँ पे ये ओशन, ये देखो यहाँ पे ओशन है आधा और आधा कंटिनेंट है, यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे प्लेट है, अब यहाँ पे कन्वर्ज हो गया तो जैसे ओशनिक प्लेट जो है वो बड़ी हीवियर होती है, ये नीचे दब जाएगी, ये कंटेंट ऊपर उठ जाएगा, कंटेंट को ऊपर बनेगा माउंटेन, तो ये जो माउंटेन है ना ये भी फोल्ड माउंटेन है। समझ गया, एंड कभी कभी यहाँ से वॉल्केनो निकलता है तो ये वॉल्केनिक माउंटेन हो जाता है, फिर अगर वॉल्केनो नहीं निकले सिर्फ फोल्डिंग हो जाए तो इसको भी फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है रॉकीज इंडीज और हमारा हिमालय और आल्प्स, ये इसका एग्जांपल है। हिमालय जो है ना वो कंटिनेंट कन्वर्जन की वजह से फोल्ड माउंटेन बना है। समझ गए, तो यहाँ पे हमने देखा था फोल्ड माउंटेन। इसमें और एक चीज़ देखने लायक है, देखो ये फोल्ड माउंटेन जो है ना वो कभी अकेला, मतलब शेयर अकेला नहीं होता, ये पूरा झुंड में होता है। देखो ये ऐसे होते हैं एक्सटेंसिव माउंटेन चेन होती है पूरी, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है, दुनिया के जितने भी सबसे हाइस्ट माउंटेन है ना वो फोल्ड माउंटेन ही है। जैसे आपको पता है दुनिया का हाइस्ट पीक कौन सा है, हिमालय में कौन सा है वो सबसे हाइस्ट पीक, वो है माउंट एवरेस्ट, वो भी फोल्ड माउंटेन है। उसके बाद देखो ये ना जहाँ बनते नहीं अनस्टेबल पार्ट होता है अर्थ क्रस्ट का, अनस्टेबल मतलब क्या, जिसके नीचे कुछ ना कुछ कांड चलता रहता है, प्लेट घूमती रहती है फिरती, मतलब हिलती रहती है, इसका वजह से तो फोल्डिंग होगी ना, तो ये एक्टिव पार्ट होता है अनस्टेबल, मतलब क्या अर्थ क्रस्ट का एक्टिव पार्ट उसके हमें फोल्ड माउंटेन के नीचे। उसके बाद क्या है ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट, ये सेडिमेंट्री हमें एक टॉपिक देखना है आज, इसके बाद ये क्या बोलते हैं इसको जियोसिंक्लाइन, उसमें मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। ये देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसके फोल्ड माउंटेन के, मतलब माउंटेन जो है इसके ऊपर वाला जो पार्ट नहीं, ये जो मिट्टी ना इसका केमिकल कंपोजिशन और समंदर के अंदर नीचे वाला केमिकल कंपोजिशन मिट्टी का, ये दोनों एक होता है, मतलब माउंटेन के ऊपर जो सेडिमेंट्स है वो किस डिपॉजिट किसके होते हैं, सेडिमेंट्री डिपॉजिट ये मराइन ओरिजिन मतलब समंदर वाले होते हैं, वो क्यों होते हैं हमें वो जियोसिंक्लाइन में देखना है, अभी इसको इसी लेक्चर में देखना है लास्ट में। ओके याद क्लियर है, अभी कैरेक्टरिस्टिक थी फोल्ड माउंटेन की। अब एग्जांपल है इस पे आता है क्वेश्चन, इंडिया में कौन सा है, हिमालय सबसे बड़ा है फोल्ड माउंटेन, उसके बाद रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद ये एंडीज है कहाँ पे साउथ अमेरिका, उसके बाद ऐप्स है यूरोप और उसके बाद रशिया है।
अगर आप ऐसे देखोगे ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ऊपर उसके नीचे साउथ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, रशिया और बाद में इंडिया, समझ रहे? तो ये रॉकीज, एंड्स, एंडस, अल्प्स, यूरल्स और ये क्या बोलते इसको, हिमालय, ये इंडिया में, समझ गए आप? इसको याद रखना है पूरा, इस पे आते क्वेश्चन। अब आगे इसके फिर हमें इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा इंडिया का, सबसे छोटा कौन सा क्या है, वो सारी चीज़ें, लंबा लंबाई किसकी बड़ी है, चौड़ाई किसकी बड़ी है, नॉर्थ टू साउथ लगाओ रेंज में है, वो जो है ना ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, ये हमने सारा इंडियन ज्योग्राफी में देखा है, इसको बाद में वापस देखेंगे। अब चलो आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमने पहला टाइप टॉपिक। अब दूसरा टाइप कौन सा है, ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन में वापस हम एक बार कंसेप्ट समझते हैं। देखो ब्लॉक माउंटेन क्या है, अब उसमें क्या था, उसमें कंप्रेशन था, अब इसमें क्या है, इसमें टेंशन है। इसका मतलब देखो ये 10 किलोमीटर है अर्थ क्रस्ट है, ये 10 किलोमीटर है, अगर 10 किलोमीटर है इसके नीचे भी क्या है, इसको एक बार 10 लिख दो, उसके नीचे क्या है, दो प्लेटें। अब पहले इसमें क्या होती, कन्वर्ज हो रही थी, अब ये क्या हो रही थी, डाइवर्ट हो रही, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, ऊपर लैंड मास कितना है, ये 10 किलोमीटर है। तो अगर इस ऐसा अगर प्लेट डाइवर्जन की वजह से अगर दो प्लेटें अगर वो एक दूसरे से दूर जा रही तो क्या होगा, 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, वो 12 किलोमीटर हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो है ना दूर जा रही ना, तो इसको स्प्रेड हो जाएगा, बीच में रिफ्ट वाली कुछ भी ऐसा बनेगा, और ये 10 का 12 किलोमीटर हो जाएगा, तो उसके वजह से क्या होगा, एक पार्ट है ना ऊपर चढ़ जाएगा, एक नीचे फिसल जाएगा, समझ गया? ये 10 किलोमीटर जो सीधी लाइन थी ना, ये इसके टुकड़े हो गए, दो ये दूर दूर चला गया और एक ऊपर चला गया और एक नीचे दब गया, तो ये जो ऊपर उठा पार्ट है ना ये, उसको होस्ट इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। इधर देखो देखो ये हॉर्स जो है ना, ऐसा जब टेंशन मतलब दो अगर चीज़ को किसी चीज़ को खींचा जाए तो उसमें एक चीज़ ऊपर जाएगी एक चीज़ नीचे आएगी, जो नीचे वाला ग्रे बन उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये पूरा प्लेन है 10 किलोमीटर का, तो इसको यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, डाइवर्जेंट हो गया इधर इधर, ये 10 किलोमीटर का कितना होगा, 12 किलोमीटर हो गया, जैसे 12 हो गया ना बीच में एक दरार आ जाएगी, समझ रहे? वो दरार और एक ये जो पार्ट है नीचे जाएगा फिसल जाएगा, ये ऊपर फिसल जाएगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, और ये जो दरार है नीचे वाली इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, समझ गए? देखो इसको क्या बोलते हैं, और एक चीज़ बोलते हैं फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं इसको। ये ड्यू टू कौन सा फोर्स है यहाँ पे, ये फोर्स विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ऊपर ये टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स की वजह से ऊपर उठा हुआ पार्ट जो है अपलिफ्टेड पार्ट उसको हॉर्स बोलते हैं, डिप्रेस पार्ट जो नीचे हुआ पार्ट उसको ग्रेबन बोलते हैं, हॉर्स जो होता है वो ब्लॉक माउंटेन होता है और ग्रेबन जो होता है वो रिफ्ट वैली होता है, ये रिफ्ट वैली होता है और ये ब्लॉक माउंटेन होता है। उसके एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल्स आप देख लो, ये मैंने सारी चीज़ें नोट्स में दे दी, ये उनस्टुक रेंज है माउंटेन रेंज जर्मनी में, ये वोस्गस माउंटेन रेंज है फ्रांस में, ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ ये क्या है राइनगढ़ जर्मनी में, ये क्वेश्चन आया था। और ये देखो अफ्रीकन ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये देखो ये मैंने इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाए, आपको मॉक क्वेश्चन ये दूंगा इसको सॉल्व करना एक बार। तो देखो ये 300 कितना है, 3000 मील मतलब इसको मील मतलब एक किलोमीटर नहीं होता, वो 1.6 होता शायद, तो वो देखो कितना 4,500 किलोमीटर होगी, वो इतनी बड़ी। उसके बाद देखो ये अभी जो हमने देखा भाई राइन ऑफ, ये देखो राइन ग्रेवन, ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का है, ये इंडिया का है एग्जाम्पल। उसके बाद आगे अब देखो दोनों में कंपेरिजन है, किसमें, ये फोल्ड माउंटेन और ये कहाँ गया, ये फोल्ड माउंटेन और ये ब्लैक माउंटेन, इन दोनों में ज़्यादा क्वेश्चन है ना, फोल्ड माउंटेन और ब्लैक माउंटेन के आते हैं, वोल्केनो और वो दूसरा रेसिड्यूअल, वो तो रेसिड्यूअल तो आपकी सिलेबस में भी नहीं है, ये तो मैंने गूगल इधर उधर हाथ पैर मार के डाल दिया उसको, जो क्योंकि हमें पूरा पढ़ना है तो पूरा ढंग से पढ़ना है। तो ये दोनों हैं, ये बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आते हैं। फोल्ड माउंटेन इसको क्या बोलते हैं, ट्रू माउंटेन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि फोल्डिंग की वजह से बनते हैं। ये ब्लॉक माउंटेन ये क्या है, ये लुच्छलफंगे, ये ट्रू माउंटेन है क्योंकि ये एक पार्ट नीचे आता है, ये दूर मतलब ये अर्थ क्रस्ट दूर जाने की वजह से बनती है। उसके बाद इसमें कौन सा फोर्स होता है, कंप्रेशन, इसमें टेंशन फोर्स होता है, इसलिए ये फोल्डिंग होती है और ये फॉल्ट, फॉल्ट मतलब दूर जाना, बीच में दरार हो जाना। ये कैसे बनते हैं, कोलिजन ऑफ प्लेट, कैसे कंटिनेंट कंटिनेंट ओशियल कंटिनेंट, ये कैसे बनते हैं, ये बनते डाइवर्जन ऑफ प्लेट बाउंड्री, इसमें इससे बनते हैं। उसके बाद जैसे हमने अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखा था ना डाइवर्जन, वही वाला फंडा। उसके बाद इसमें फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंटरी रॉक हो जाता है, और इसमें क्या है, डिफरेंशियल इरोजन ऑफ होस्ट फोल्ड माउंटेन, होस्ट ऑफ फोल्ड फॉल्ट, ये क्या है, डिफरेंशियल इरोजन, वो जो होस्ट है इसका इरोजन हो जाता है और वो बाद में माउंटेन जैसा दिखता है, उसके वजह से इसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। समझ गए आप, इसको एक बार सही से देख लेना, पढ़ लेना। तो चलो ये हमने देख लिया ब्लॉक माउंटेन, पहला था फोल्ड माउंटेन, आगे देखते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। अब देखो वॉल्केनिक माउंटेन और ये जो है ना, ये दोनों इसमें कुछ इतना कुछ खास नहीं, इसमें क्वेश्चन भी इतना कुछ आता नहीं, एक आता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या, अभी वॉल्केनिक माउंटेन मतलब क्या होगा, वॉल्केनिक माउंटेन मतलब अर्थ क्रस्ट पे क्या होगा, नीचे प्लेट घूमेगी, अर्थ क्रस्ट फट जाएगी, उससे नीचे से क्या होगा, ऐसा लावा बाहर आएगा और लावा इतना आएगा पूरा ढेर, मतलब एक कचरे का ढेर होता है वैसे ढेर हो जाएगा, इतना बड़ा ढेर हो जाएगा डायरेक्ट माउंटेन की जैसे, बाद में लावा आता रहेगा फैलता रहेगा, बाद में ठंडा हो जाएगा, जैसे ठंडा हो जाएगा उस पर मिट्टी बन जाएगी वो इग्निशियस रॉक, बाद में इसका इरोजन विरोजन चलता रहेगा जो है ना वो सारी चीज़ें। और ये जो शेप इतना बड़ा, ये हो गया माउंटेन, ये अर्थ क्रस्ट थी, इधर अर्थ क्रस्ट ब्रेक हो गया, नीचे प्लेट थी, नीचे प्रेशर इंटेंस प्रेशर क्रिएट हो गया रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से, नीचे लावा तपता लावा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, अर्थ क्रस्ट फट गई आ गया, इतना बड़ा फैल गया और ठंडा हो गया,
बन गया माउंटेन। तो वॉल्केनिक माउंटेन मतलब क्या है, माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स क्या, अंदर से जो लावा आता है वो ऊपर आके ठंडा होने के बाद एक्यूमुलेट हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए, उससे क्या बनता है, उससे बनता है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक बिल्डअप विद मटेरियल इजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से जो मटेरियल इजेक्ट होता है बाहर निकलता है उससे बनते हैं वॉल्केनिक वॉल्केनोज और वॉल्केनिक माउंटेन। इसमें काफ़ी मटेरियल होता है, देखो ये हमें नेक्स्ट लेक्चर जो है हमें उसमें देखना वॉल्केनो वगैरह, उसमें हम देखेंगे। उसमें मोल्टन लावा होता है, वॉल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, सिंडर्स, एशेज, डस्ट, लिक्विड मड, ये सारी चीज़ इसमें होती है। ये कहाँ पे कॉमन, सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये हमने क्लास में देखा था वो अपना वहाँ पे, देखो ये वाला इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये इंडिया है, देखो यहाँ पे ये इंडिया है, उसके बाद ये यूरेशिया है, उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये साला हमारा हर बार ये पीओके को उड़ा देता है इसको, हाँ ये हमारा इंडिया है ओके पूरा पूरा। उसके बाद ये इस ये पैसिफिक ओशन है ना, इसमें ये देखो ऐसा ये जो है ना ये रिंग ऑफ फायर है। तो ये रिंग ऑफ फायर यहाँ पे बहुत कॉमन है, ये कौन सा, क्योंकि यहाँ पे ना पैसिफिक बेल्ट यहाँ पे काफ़ी प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स बहुत ज़्यादा है, और ये मेजर प्लेट भी पे, कौन सी मेजर प्लेट कौन सी, इंडियन, देखो यहाँ पे इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ये फिलिपाइन माइनर प्लेट है, यहाँ पे प्लेसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, तो ये सारी प्लेट जो है इसके बॉर्डर ये पे, देखो ये बॉर्डर, ये देखो यहाँ पे बॉर्डर प्लेट के, तो दो प्लेट का अगर जहाँ बॉर्डर होगी तो प्लेट नीचे घूमनी दूर आ जाए पास आ जाए कुछ ना होगा, ऊपर तो कुछ ना कुछ होना है, नीचे अगर प्लेट हिली ऊपर दुर्घटना होने वाली है। तो ये इसके वजह से ना ये रिंग ऑफ फायर जो है ना यहाँ पे बहुत कॉमन है। उसके बाद वॉल्केनिक माउंटेन उसका एग्जांपल देखते हैं, समझ रहे हैं, ये भी देखो इस पे क्वेश्चन आता है, ये जो है ना ये माउंट मियोन, देखो ये मियोन, ये मेरप्पी और ये अगंग, ये न्यूज़ में थे हर साल, मतलब अभी इस साल ना न्यूज़ में थे, और ये माउंट फूज आपको पता होगा, आपने हर जगह पढ़ा होगा, जहाँ अपने माउंट फूज बनाए, ये मेरप्पी और अगंग ये न्यूज़ में इसलिए थे, देखो ये फिलिपाइन का और इंडोनेशिया की, ये दोनों न्यूज़ में थे एक्चुअली, ये दोनों न्यूज़ में थे क्योंकि ये एक्टिव हो गए वापस, मतलब इनको बन के ना 100 साल हो चुके हैं, एक्टिव मतलब नीचे की प्लेट जो प्लेट है वो एक्टिव हो गई, और वापस से ऊपर वो जो लावा है ना उसका ऊपर वाला जो होगा ना वो जो बंद हुआ होगा वो खुल गया, और वापस वहाँ से थोड़ा थोड़ा वॉल्केनो निकलने लगा है, इसलिए न्यूज़ में थी माउंट। तो अभी आपको याद कैसे रखना है, माउंट फ्यूजी ये जापान ये पता है सबको, ये जो मेयोन, मेयोन कहाँ फिलिपाइन, उसके बाद मेरप्पी, मेरप्पी कहाँ इंडोनेशिया, अगंग कहाँ पे, अगंग भी इंडोनेशिया में, इसको भी आप एक बार याद रखो, इस पर क्वेश्चन बनता है। देखो इस तरह हमने वॉल्केनिक माउंटेन तीन टाइप देख लिए, अब देखते हैं रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन मतलब क्या है, कुछ नहीं, रेसिडुअल माउंटेन मतलब क्या है, देखो ये माउंटेन इरोड क्या इवॉल्व बाय द डिनोडेशन। डिनोडेशन मतलब क्या, एक बहुत बड़ा जैसे कि बहुत बड़ा पहले एक फोल्ड माउंटेन था या कोई दूसरा माउंटेन था या कुछ ऐसा प्लेटो टाइप कुछ भी एरिया था, अगर वो घिस घिस के इरोजन हो जाए, उसका एजेंट ऑफ इरोजन क्या है, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, बारिश हो जाए वहाँ से जो है ना पार्टिकल निकल जाए या हवा की वजह से या बारिश की वजह से, और दूसरी जगह जाकर डिपोजिट हो जाए, और ये घिस घिस के ऐसा अगर ऐसा माउंटेन जैसा शिप बन जाए ना, तो ये जो बचता है ना ये माउंटेन जैसा शिप वाली चीज़, इसको बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल मतलब क्या है, रेसिडुअल मतलब जो रेसिडेंट बची हुई चीज़ उससे अगर माउंटेन बन रहा है तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन, इसमें बाकी कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। उसके बाद इसका एग्जांपल देखो, कुछ देखो डेट कम्पलेटो जो वैसे बनाया हमारा, डेट कम्पलेटो बहुत बड़ा पहले माउंटेन रेंज थी, फोल्ड माउंटेन, बाद में फिर होता पहले तो ये लावा निकला था पहले वहाँ से, बाद में उसका प्लेटो बन गया, काफ़ी चीज़ें डेक्कन प्लेटो काफ़ी फेस से गया है। डेक्कन प्लेटो अभी आधा ही, मतलब बोला जाता है ये जो जब ओरिजिन में बना था ना जितना बड़ा था ना, अब उससे आधा ही बसी, इतना उसका इरोजन हो चुका है। उसके बाद क्या है, हाईलैंड्स ऑफ स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है वहाँ पे जो है हाईलैंड्स ऑफ स्कैंडिनेवियन वो हो, उसके बाद हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, उसके बाद माउंट के माउंट मोनाडोंक माउंटेन, मोनाडोंक माउंटेन ये क्या है, कहाँ पे यूएसए में, ये क्या है हेम्सपायर, हेम्सपायर जगह है वहाँ पे यूएसए में। तो इस तरह से हमने देखो ऐसे ये भी देख लिया हमने रेसिडुअल माउंटेन। तो इस तरह से हमने जो टाइप ऑफ माउंटेन थी माउंटेन की सारे जो टाइप है उसको देख लिया विथ एग्जांपल। अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, प्लेटो को देखते हैं और प्लेन्स को देखते हैं। तो चलो चलते हैं प्लेटो की तरफ। अब देखो प्लेटो क्या होता है, प्लेटो ना अगर कोई ऐसा शेप है, देखो आप ऐसा मान लो कि ये नीचे ना एक लैंड मास है, समझ रहे, और एक क्रिकेट का ग्राउंड है, पर वो ना ऐसा इतना हाइट पर, कितना, कम से कम 500 मीटर से ऊपर। तो अगर देखो ऐसा अगर कोई पार्ट है जो नॉर्मल लैंड मास से ऊपर उठा हुआ है और वो पूरा प्लेन है, फ्लैट मतलब क्या, ऐसा प्लेन, टेबल लैंड, टेबल मतलब टेबल की जैसा फ्लैट, अपलैंड ऊपर उठा हुआ, हायर देन सराउंडिंग एरिया। अगर टेबल की तरह फ्लैट कोई पार्ट है जो अपने सराउंडिंग से ऊपर उठा हुआ है, वो कितना कंडीशन है वो आगे देखते हैं, ऐसा अगर कोई पार्ट है वो, तो उसको बोलते हैं प्लेटो। और प्लेटो और माउंटेन में डिफरेंस क्या है, प्लेटो मतलब देखो ये जमीन है, माउंटेन बता दूँ आपको, ये जमीन है, इसके ऊपर ये ऐसा माउंटेन है, इससे ऊपर क्या है, समिट है विथ लार्ज बेस। प्लेटो क्या है, प्लेटो देखो ऐसा है, देखो ऐसा ऊपर क्या है, समिट नहीं, ये पूरा ऊपर भी फ्लैट है, और समझ रहे कैसे, ये प्लेटो। तो ये था प्लेटो, अभी इसको और डिटेल में देखते हैं। देखो याद है, प्लेटो इज एलिवेटेड अपलैंड, ऊपर उठा हुआ लैंड विथ एक्सटेंसिव लेवल सरफेस एंड यूजुअली फ्लैट सरफेस। इसका बोलना क्या है, अगर देखो ये नीचे कोई लैंड वहाँ से सारा देखो पूरा नीचे, देखो ये पूरा ग्राउंड है, अगर ऐसा कोई अपलैंड है जो ऊपर उठा हुआ है और ऊपर क्या है वो फ्लैट है, उसको बोलते हैं प्लेटो। ये हमने देख लिया, अब आपको समझ गया होगा पूरा, प्लेटो इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड, ये अब ये भी देख लिया हमने, टेबल लैंड होता है ये। प्लेटो इज अ सब्जेक्टेड टू इरोजन प्रोसेस, सब्जेक्टेड टू इरोजन प्रोसेस इसका मतलब क्या होता है,
मतलब यहाँ पे इरोजन हो सकता है, ऐसा नहीं कि प्लेटू बन गया तो पूरी जिंदगी में प्लेटू रहेगा, ये ऐसा भी हो सकता है घिस 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 के एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा मतलब खत्म हो जाएगा मिलियंस ऑफ ईयर के बाद। तो प्लेटो क्या है, इसका इरोजन होता रहता है क्योंकि ये खुला है, देखो ये ओपन ही, इधर हवा बहती रहती है, बारिश आती है, तो थोड़ा 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 पार्टिकल निकल के एक जगह से जाकर इरोजन होता है। उसके बाद क्या है, प्लेटो ऑकर इन एवरी कंटिनेंट एंड टेक अप द थर्ड ऑफ द अर्थ लैंड। तो अर्थ में जो इसके अर्थ पूरा है, ये अर्थ है, अर्थ में कितना है 71% पानी और बाकी 29% क्या है, 29% जो है वो लैंड मास है। अब ये जो 29% है ना, अगर इसको हम 100% मान लें तो ये 100% का जो 33% है ना ये सिर्फ प्लेटो ही, समझ गया आप। तो अर्थ के जो पूरा टोटल लैंड मास है ना इसका 33% वन थर्ड 33% क्या है बताए क्या, ये सिर्फ प्लेटो ही, इतने प्लेटो दुनिया भर में। तो हम इसको हम देखते हैं, जैसे आपको बोलोगे ऐसे कैसे, तो ये जो कर्नाटक है अभी आपको बताता हूँ, ये जो स्टेट है हमारा तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट पूरा एक प्लेटो पे, वो प्लेट तेलंगाना प्लेटो ही इतना ऊपर उठा है, मतलब पूरा वो आता आता स्टेट है ना वो पूरा प्लेटो पे उठा हुआ है। तो वो ऐसा अगर ऐसा पकड़ा जाए तो 33 वन थर्ड जो पार्ट है दुनिया भर का वो प्लेटो पे ही। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटो, प्लेटो बनता कैसे, काफ़ी चीज़ों से प्लेटो बनता है, जैसे हमने देखा कि मैंने आपको अभी आपको जैसे हमने माउंटेन देखा था कि कंटिनेंट कंटिनेंट कन्वर्ज हो जाए, ओशन कंटिनेंट हो जाए, इसकी वजह से माउंटेन बनता है। और कुछ माउंटेन तो बड़ा माउंटेन अगर घिस घिस के छोटा हो जाए तो उससे बनता है, वॉल्केनो निकले तो उससे माउंटेन बनता है। अब प्लेटो का कैसे, प्लेटो कैसे बनता है, तो प्लेटो बनने के काफ़ी रीजन है, उसको देखते हैं टाइप, वो आगे देखेंगे टाइप ऑफ प्लेटो में, इसको थोड़ा एक बार बैकग्राउंड में देख लेते हैं। देखो रेज लैंड ड्यूरिंग द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस कैसे बनता है, सबसे पहले क्या है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब क्या है वही प्लेट टेक्टोनिक अग्रीमेंट हो जाए, अगर कोई नीचे से कुछ भी दो प्लेट घूम जाए ऊपर उठ जाए, एक लैंड अगर ऊपर उठ जाए और अगर फ्लैट हो जाए मतलब ऐसे उस पर समिट ना हो तो वो प्लेटो बन जाएगा, अगर दो प्लेट घिस जाए उसमें से लावा निकल जाए तो भी प्लेटो बनेगा, अगर ऐसा लावा अगर ऐसा फ्लैट हो जाए लावा समिट ना हो जाए, अगर लावा ठंडा ऊपर ऐसा फ्लैट हो जाए वो ऊपर उठ जाए वो, तो उससे भी क्या प्लेटो बनता है। अब देखो यहाँ पे पहले देखा हमने माउंटेन ब्लेडिंग, मतलब वो प्लेट के चक्कर में बनता है, उसके बाद डिपोजिशन ऑफ लावा, अगर लावा नीचे से ऊपर आ जाए और वो फैल जाए ऐसे डिपॉजिट हो जाए एक हाइट पे जाके, उससे भी बनता है। दूसरा तीसरा क्या है, डिपोजिशन फ्रॉम विंड, विंड से मतलब डिपोजिशन फ्रॉम विंड, मतलब क्या अगर हवा है, आप मान लो ये पूरा प्लेन है समझ रहे क्या, और यहाँ पे कुछ तो माउंटेन की पूरी रेंजेस है रेंजेस है, यहाँ पे भी पूरी माउंटेन की रेंजेस है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हवा आ रही है इधर से भी आ रही है, तो हवा जब आती है ना और डेली वो पार्टिकल लेके आ रही, थोड़ा थोड़ा इधर पार्टिकल इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा एक साल दो साल चार साल हज़ार साल 2000 साल मिलियंस ऑफ ईयर, उसके बाद इतने यहाँ पे पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक टेबल लैंड बन गए ये हाइट से बड़ा, ये भी प्लेटो बनेगा, उसको बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ फ्रॉम विंड। ये लाओस प्लेटो जो है वो चाइना में, उसको दिखा तो आगे आपको। उसके बाद क्या है, इरोडेड ड्यू टू ग्लेशियर, मतलब जैसे कोई बड़ा माउंटेन माउंटेन है कोई और ग्लेशियर वहाँ से बह रहा है, इतना बह रहा है इतना बह रहा है कि इसने इरोजन करके करके पूरा नीचे कर दिया और ये पूरा फ्लैट हो गया, समझ गए। उससे भी क्या हो जाता है, इरोजन फ्रॉम ग्लेशियर उससे बनता है। ग्लोरियस प्लेटो जो कनाडा में वो भी ऐसा बना है, अब देख तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये डिपोजिशन से बना है, मतलब जो है धूल मिट्टी जो है आके जो है उसका इरोजन होके एक जगह आके डिपोजिट होने की वजह से ये बना है। और दूसरी जगह यहाँ पे देखो ये लॉरेशियस प्लेटो है, तो लॉरेशियस जो प्लेटो है वो किसके वजह से बना पता है क्या, ये देखो ये वाला पार्ट नहीं है लॉरेशियस प्लेटो, वो बना है ग्लेशियर ने जो ऊपर वाला जो माउंटेन माउंटेन है उसको इरोड कर दिया घिस घिस के, उससे ये बना है और ये इरोजन और डिपोजिशन होके ये बना है। तो देखो आगे अभी टाइप ऑफ प्लेटो देखे ना हमने, तो दो तीन टाइप के प्लेटो है उसको देखते हैं, ये एकदम कॉमन सेंस मतलब आप उसको नाम से भी आप उसको बता सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है टेक्टोनिक प्लेटो, टेक्टोनिक प्लेटो मतलब क्या है, टेक्टोनिक मतलब क्या होता है, टेक्टोनिक मतलब अर्थ के ऊपर जो क्रस्ट है ना उस क्रस्ट में अगर कुछ भी हलचल हो जाए, कुछ भी अर्थ के अंदर कुछ भी एक्टिविटी हो रही उस जो वो इवेंट है उसको बोलते हैं टेक्टोनिक। तो टेक्टोनिक प्लेटो मतलब क्या होगा कि अर्थ के अंदर नीचे प्लेट होगी वो प्लेट हिलेगी, प्लेट हिलेगी तो ऊपर कुछ ना कुछ हो जाएगा हलचल, उसके वजह से जो प्लेटो बनेगा उसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेटो। वही बोल रहे हैं यहाँ पे प्लेट मूवमेंट कॉजेस दी क्या है, आप यहाँ पे देखो प्लेट मूवमेंट कॉजेस दी अपलिफ्टमेंट अपलिफ्ट लाइक द कंटिनेंटल ब्लॉक टिल्टेड और फॉल्ट, मतलब अगर डाइवर्जन ऑफ प्लेट बाउंड्री हो जाए, कन्वर्जन हो जाए या फॉल्ट ये वो जो ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री वो हो जाए तो डाइवर्ज हो जाए तो ब्लॉक बनेगा, टिल्टेड होगा या फॉल्ट बन जाएगी, फॉल्ट होगा या ऐसा माउंटेन बनेगा या एक जगह ऊपर उठ जाएगा एक पार्ट नीचे हो जाएगा, अगर ऐसा कोई प्लेट मूवमेंट की वजह से हो रहा है पर ऊपर क्या हो जाए ऊपर अगर फ्लैट सर्फेस है उससे प्लेट बनती, टेक्टोनिक प्लेट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट क्या अर्थ क्रस्ट अगर ऊपर उठ जाए पूरी पूरी वैसी की वैसी उसमें अगर ऐसे माउंट समिट मिट नहीं बन जाए ऊपर जैसे या इसमें बनती है माउंटेन में ऐसे समिट ना बन जाए वैसे वैसे आप अगर प्लेन लैंड ऊपर उठ जाए तो उससे बनता है टेक्टोनिक प्लेट। अपलिफ्टमेंट इज कॉज बाय द स्लो कोलिजन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, अगर प्लेटो टेक्टोनिक प्लेट है देखो अगर टेक्टोनिक प्लेट कुछ ज़्यादा मूड में आ जाए तो वो तो पूरा दिखाना कर देगी उससे पूरा माउंटेन बनेगी, पर वो अगर शांति एकदम समझ रहे क्या प्यार से एकदम रोमांटिकली अगर ऊपर आ जाए तो उससे क्या हो जाएगा सिर्फ ऊपर वो पार्ट ऊपर उठ जाएगा उससे ऊपर प्लेन होगा मतलब जो फ्लैट होगा जैसे वैसे वैसे जो प्लेन है वो अर्थ का जो क्रस्ट है ऊपर उठ जाएगा ऊपर उसका प्लेन होगा उसमें कोई सेमेंटमेंट बनेंगे तो उससे बनेगा जो प्लेटो उससे बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेटो। उसका एग्जाम्पल है कोरोलाडो प्लेटो एग्जाम्पल इसमें
यूएसए में और तिब्बत में प्लेटू, जो हमें चाइना में, समझ रहा है, देखो डेकम प्लेटू भी उसका एग्जाम्पल है, डेकम प्लेटू, और देखो ये तिब्बत में प्लेटू, ये भी देखो सबसे बड़ा प्लेटू है तिब्बत में प्लेटू दुनिया का, देखो कितना बड़ा है ये, देखो मतलब आधे इंडिया जितना तो प्लेटू है। अभी आपको लग रहा होगा यहाँ पे लोग नहीं, यहाँ पे लोग रहते, ये चाइना का पार्ट है पूरा, देखो इधर ये ऑटोनॉमस रीजन, इधर हमारे साइड वाला, और बाकी तो इधर पूरा ये यहाँ से वो यांगजंग रिवर वगैरह सारी जाती है, यहाँ पे वो लोग रहते हैं, इनका प्रोविंस यहाँ पे। अब आगे देखते हैं दूसरा टाइप है डिसेक्टेड प्लेटू। अब इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। अब इनका बोलना क्या है, देखो इनका बोलना ऐसा है कि ये जो पूरा पार्ट है देखो, ये अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये पहले पूरा एक ही लैंड मास था, और ये फॉर एग्जाम्पल ये पूरा बड़ा माउंट, एक तो माउंटेन था ऐसा एग्जाम्पल मान लो, इस पर इरोजन हुआ, इरोजन होते होते क्या होगा, ये पूरा प्लेटू जो है ना, ये जो पूरा माउंटेन होगा ना, ये टूट गया, माउंटेन गया जो भी होगा ये पूरा टूट गया, बाद में क्या होगा, इतना इरोजन होगा कि इसके ऐसे इंडिपेंडेंट पार्ट खड़े रह गए, इंडिपेंडेंट, और वो जो पार्ट थे वो फ्लैट है ऊपर, देखो मतलब इतना इरोजन हो गया कि इंडिपेंडेंट पार्ट रह गया और उसके ऊपर फ्लैट है, तो ऐसे जो प्लेटू होते हैं देखो ये प्लेटू बन गए, फिर इसको बोलते हैं डिसेक्टेड प्लेटू। डिसेक्टेड प्लेटू इज अ प्लेटू एरिया दैट हैज बीन सेवरली इरोटेड, सेवरली इरोटेड सो दैट रिलीफ इज शार्प, तो उसकी रिलीफ ऐसी बन गई, बहुत उसका कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, इतना इरोजन और वेदरिंग और इरोजन हुआ रनिंग वाटर आइस एंड विंड से कि ये पूरा ऐसा रह गया, इसके वजह से डिसेक्टेड होता है, इट इज इरेगुलर इन शेप, ये देखो इसका शेप ऐसा कोई रेगुलर नहीं, इरेगुलर है। एग्जाम्पल है विंड विंड डिपोजिशन ऑफ लाइस प्लेटू इन चाइना, वो चाहे वो भी इसका एग्जाम्पल है। अब तीसरा नाम से आप पता बोल सकते हो वोल्केनिक प्लेट, मतलब क्या है, वही चीज़ कि नीचे अर्थ के नीचे कुछ कांड हो गया, प्लेट घूम गई, उसके वजह से क्या हुआ, वोल्केनिज्म आ गया, वोल्केनो आया तो नीचे से मैग्मा ऊपर आया, वो लावा बन गया, वो लावा पूरा फैल गया, आग वाला लावा एकदम, वो ठंडा हो गया, और ठंडा कैसे हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसे हुआ ठंडा, समझ गया, जैसे ये अर्थ है, ये अगर ये अगर ऐसा ठंडा हो जाए तो इससे बनेगा माउंटेन, और अगर ये ऐसा हो गया, ऐसा ठंडा बन जाए तो ये हो गया प्लेटू, इसमें कुछ नहीं, समझ गया, उसको लावा प्लेटू बोलते हैं, वोल्केनिक प्लेटू, और उसको उसी को लावा प्लेटू बोलते हैं। ये कोलंबिया जो प्लेटू है, कोलंबिया एक देश भी है और कोलंबिया एक प्लेटू भी है यूएसए में, तो यूएसए में एक स्टेट है कोलंबिया, तो वहाँ पे एक प्लेटू है उसका नाम है, उसका वो वोल्केनिक प्लेटू है, और डेक्कन ट्रैप जो है हमारे वो भी वोल्केनिक प्लेटू है, ये हमने इंडियन ज्योग्राफी में देखा था, इसको बाद में लगा तो वापस देखेंगे डेक्कन ट्रैप वाला। तो भैया इसके एग्जाम्पल है वोल्केनिक प्लेटू के दुनिया भर में, ये क्या है, कोलंबिया प्लेटू यूएसए में, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन है यूएस में, वो पे डेक्कन ट्रैप जो है हमारा इंडिया का वो भी लावा बेड़े, और एक क्या इथोपिया प्लेटू अफ्रीका में, इथोपिया नाम का देश है वहाँ पे, ये भी क्या है, ये वोल्केनिक प्लेटू का एग्जाम्पल है। तो अभी देखो और एक दो चीज, अभी यही दो दो तीन टाइप के वोल्केनो होते अब टाइप्स थी प्लेटू की। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो किताब में नहीं थी, ये मुझे टेस्ट सीरीज में मिली एक जगह तो मैंने डाल दिया है। इंटर माउंटेन्स प्लेटू क्या होते हैं और कंटिनेंटल प्लेटू क्या होते हैं, देखो अब इंटर माउंटेन्स प्लेटू और कंटिनेंटल प्लेटू इसको ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कोई प्लेटू दे आर द हाइस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब बॉर्डर्ड बाय द माउंटेन्स, मतलब अगर ऐसा कोई प्लेटू वो भाई साहब अकेला शेर है, सबसे बड़ा है वो, बट उसके आसपास कोई प्लेटू नहीं है, नपले नहीं, उसके आसपास क्या है, जैसे कि ये पूरा प्लेटू है देखो, ये एकदम बड़ा प्लेटू है ऐसा, ऊपर ऐसा ना फ्लैट सर्फेस, साइड में क्या है उसके, इधर माउंटेन है, इधर माउंटेन है, इधर माउंटेन है, इधर माउंटेन, माउंटेन 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 माउंटेन, तो अगर ऐसा कोई प्लेटू है जिसके सराउंडिंग में सारे माउंटेन है और वो उसमें से सबसे बड़ा चीज़ है, तो ऐसे माउंटेन प्लेटू को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेटू। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है तिब्बतन प्लेटू, तो तिब्बतन प्लेटू देखो, तिब्बतन प्लेटू के नीचे क्या है, हमारे यहाँ पे क्या है, पूरे सराउंडिंग में हिमालय है, उसके बीच में अकेला डाउन अकेला प्लेटू है वो, तो उसको बोलेंगे इंटर माउंटेन प्लेटू। तो आगे आपको क्वेश्चन आएगा कि तिब्बतन प्लेटू जो है वो दुनिया के सबसे बड़ा प्लेटू है, तिब्बतन प्लेटू जो है वो जो टेक्टोनिक प्लेटू प्लेटू है, और तिब्बतन प्लेटू है वो इंटर माउंटेन प्लेटू है, तो पहले दो तो आप आराम से कर लोगे, पर तीसरा तो आप लोग ये क्या हुई है भाई साहब, ये क्या बोला है इंटर माउंटेन, तो इंटर माउंटेन मतलब क्या है, वही सिर्फ जो ऐसा प्लेटू जो साइड में क्या है माउंटेन से घिरा हुआ है, बाकी कुछ नहीं इसमें ज़्यादा। और दूसरा क्या है कंटिनेंटल प्लेटू, कंटिनेंटल प्लेटू मतलब क्या है, ऐसा प्लेटू बॉर्डर बाय ऑल द साइड बाय द प्लेन एंड सी, ऐसा प्लेटू जो कि कंटिनेंट के साइड मतलब उसके साइड में कोई माउंटेन माउंटेन नहीं ना प्लेटू है, उसके साइड में क्या एक तो ओशन है या साइड में पूरे प्लेन है, मतलब ऐसा प्लेटू देखो ये प्लेटू है, इधर एक तो ओशन होगा पूरा इस साइड में और उधर साइड में पूरा प्लेन होगा नीचे ऐसे ऐसे, और इधर उठा होगा वो, ऐसा जो प्लेटू उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंटिनेंटल प्लेटू, और वो किससे बना होता है माउंटेन से, मतलब पहले कोई यहाँ पे बड़ा माउंटेन था उसको घिस 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 के ऐसा प्लेटू बना, समझ गए। तो यहाँ तक हमने देखो ऐसे प्लेटू में ये सारे जो टाइप देख लिए, अभी इसको आप एक बार पॉज करो और सारे सारे एक बार ये प्लेटू देख लो, तभी मैं आपको एक बार ना थोड़े थोड़े जो एकदम हाई वी आई पी एकदम कुछ ज़्यादा है उनको एक बार बता देता हूँ। देखो कोलंबिया स्नेक प्लेटू यहाँ पे यूएसए में, कोलोराडो प्लेटू है यूएसए में, इसको एक याद रखो, ये देखो यहाँ पे ये कनाडा में लॉरेशन प्लेटू है इसको भी याद रखो, इसके बाद ये कुछ काम करने, इसके बाद ये भी इतना कुछ काम करने, देखो ये भी आप एक बार सबको पढ़ लो, पर मैं एकदम हाईली इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखो ये लॉइस प्लेटू है, ये एक इंपॉर्टेंट है, तिब्बत तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारा डेक्कन ट्रैप ये भी प्लेटू है, इथोपिया प्लेटू जो आपको बताया था मैंने, इथोपिया देश है देखो, इधर ये जिबूती, यहाँ पे जिबूती और यहाँ पे क्या है यमन है, इसके बीच में देखो दादरमेंटल स्ट्रेट है, यहाँ पे ये रेड सी है, और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ कौन है यमन है, उसके बाद ये यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा ये पायरेट ऑफ कैरेबियन वाला देश कौन सा, आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा देश है, सोमालिया, उसके बाद यहाँ पे इथोपिया प्लेटू है,
समझ गया आप, ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही आप, बाकी भी आप एक बार सारे पढ़ लो, पर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पे कौन सा प्लेटो है, जहाँ पे हम, जब हमने अलनिनो देखा था तो अलनिनो के टाइम पे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कौन सा प्लेटो है जहाँ जिसमें ड्रॉट हो जाता है एक बार और एक बार बारिश हो जाती है, समझ रहे क्या, वो आप मुझे एक बार बता देना। तो चलो आगे देखते हैं। इस तरह से हमने प्लेटो जो है, प्लेटो और टाइप ऑफ प्लेटो, माउंटेन और प्लेटो, ये दोनों देख ली। अब चलो आगे चलते हैं, प्लेन को देखते हैं। अब देखो प्लेन क्या होता है, पहले सबसे पहले अभी आपको एक बार कंपेयर, तीनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये लैंड मास है, ये ऐसा लैंड मास है, इसके ऊपर ये माउंटेन है, इसके बाद ये प्लेन है, सॉरी ये प्लेटो है, और उसके बाद ये प्लेन आपको बताता हूँ ऐसा। अगर कोई बहुत बड़ा लैंड मास, मतलब बहुत बड़ा ऐसा जोग्राफिकल फीचर है जिसको ऊपर समिट है और नीचे बहुत लार्ज बेस है, अगर ऐसा लार्ज बेस और ऊपर अगर समिट ऐसा कोई चीज़ है फिजियोग्राफिक, उसको बोलेंगे माउंटेन। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसको नीचे लार्ज बेस है पर ऊपर जो है ना वो समिट नहीं, मुझे ऊपर जो फ्लैट सरफेस है टेबल लैंड टाइप, उसको बोलेंगे प्लेटू। और अगर ऐसी कोई चीज़ है जो जमीन से सिर्फ उसकी हाइट ना 200 मीटर तक ऊपर है, बस 200 मीटर तक, समझ रहे, और वहाँ पे ना जो जो मिट्टी है, जो वहाँ पे रॉक है वो बहुत फर्टाइल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई ज़मीन है, ऐसा कोई लैंड मास है जो ज़मीन से सिर्फ 200 मीटर उठा हुआ है और जहाँ पे लैंड की जो फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, वहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, तो ऐसा जो एरिया है ना इसको बोलते हैं प्लेन्स। अभी आप समझ गए होंगे, ऐसा एरिया ऑफ लो लैंड, लो लैंड मास है मतलब उसका लैंड का जो हाइट है वो कम है, कितना 200 मीटर से नीचे है वो, और वहाँ पे कल्टीवेशन होता है, पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे लोग रहते हैं, रिवर के साइड में होता है, ऐसे एरिया को बनेंगे प्लेन्स। समझ गए, इतना सिंपल है। तो अभी देखो प्लेन्स के भी, देखो सबसे दुनिया में जो इंपॉर्टेंट प्लेन है ना, देखो इंडो गंगटिक प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और गंगा, इंडिया इंडो गंगटिक मतलब इंडिया ने इंडस और गंगा, इसका प्लेन। उसके बाद मिसिसिपी प्लेन है, मिसिसिपी कहाँ पे, ये समय हमने इसको देखा था। उसके बाद एंगल्स प्लेन है, ये चाइना में, ये तीन ना दुनिया का सबसे खतरनाक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन है। उसके बाद टाइप ऑफ प्लेन, इसको देख लेते, इस पर पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं, ये बहुत टुच्चा टॉपिक है, इसमें कोई क्वेश्चन वेश्चन आता नहीं, पर एक बार देख लेते हैं। प्लेन का मतलब यही बस, प्लेन के बारे में एक तो देखो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर क्वेश्चन आता है, और दुनिया भर के और प्लेन से, ये प्लेन कौन से रिवर के साइड में, ये प्लेन कौन से देश में, इसको मैंने लास्ट में एक चार्ट बनाया उसमें दिखाया है, उस पर पक्का क्वेश्चन आते हैं। तो अभी ये टाइप जो है इस पर देखते एक बार क्वेश्चन आएगा कि नहीं पता नहीं, पर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इससे, इसलिए हम देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड। अब देखो स्ट्रक्चरल प्लेन मतलब क्या, नॉर्मल जो प्लेन है ना जिसमें कोई तिकड़म मजी नहीं, नॉर्मल अगर कोई ऐसा लैंड मास है जहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, एकदम नॉर्मल प्लेन हो, उसका ना हाइट वो समझ रहेगा ना, वहाँ माउंटेन है ना प्लेटो है ना, वहाँ पे कोई इरोजन ना बारिश कुछ भी नहीं होता है, अगर ऐसा नेचुरली लो लैंड है, नेचुरली कोई मैदान है उसको बोले प्लेन मतलब मैदान, नेचुरल अगर लो लैंड है तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्लेन, समझ रहे, स्ट्रक्चर विद डिप्रेस एरिया मतलब नीचे समझ गया छोटा हुआ एरिया, इसको बोलेंगे नेचुरल लैंड को क्या, स्ट्रक्चरल प्लेन बोलेंगे। इस फॉर्म ड्यू टू हॉरिजॉन्टल बेडेड रॉक, हॉरिजॉन्टल बेडेड रॉक से बनती है, एग्जाम्पल है रशियन प्लेटफॉर्म, रशियन प्लेटफॉर्म, ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए एंड सेंट्रल लोलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे, ये स्ट्रक्चरल प्लेन है। दूसरा है डिपोजनल प्लेन, अब नाम से आप तुक्का मार सकते हो, डिपोजनल प्लेन मतलब क्या, देखो प्लेन आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ब्रॉट बाय वेरियस एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती है, रिवर है, एग्रीकल्चर प्लेन है, ग्लेशियर है, आइस सिटी है, विंड है, कोस्टल रीजन। तो अगर ऐसा कोई जगह है जहाँ पे खड्डा गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा वड्ढा था, वहाँ पे कुछ नहीं था, प्लेन वेन कुछ नहीं था, और वहाँ पे अगर ये जो रिवर वर एग्रीकल्चर प्लेन, बारिश वारिश, अगर ये ऐसे कुछ काफ़ी सेडिमेंट लोग को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर लेके आते हैं और वहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं और उससे जो प्लेन बनता है ना उसको बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन, समझ गए। चलो आगे तीसरा इरोजनल प्लेन, आप मुझे बताओ इरोजनल मतलब क्या, देखो यहाँ पे ना ये जो है ना अभी पहले अगर कोई ऐसा पार्ट है जो ऐसा ऊपर उठा हुआ है ऐसा है और उधर जो है बारिश हो रही है, रिवर है, आइस है, इसके वजह से इसको घिस घिस के घिस घिस के तक कम हो गया वो, और वो कितना हो गया, इरोजन हो गया उसका, और 200 मीटर के नीचे आ गया और वहाँ पे वो हमारे जो डिफिनेशन है प्लेन्स की इसमें बैठ गया, 200 मीटर से नीचे उठा लो लैंड जहाँ पे खेती वेती कुछ भी होता है, तो ऐसा जो है ना एरिया उसको क्या बोलते बताया क्या, इसको बोलते हैं इरोजनल प्लेन, समझ रहे, एजेंट ऑफ इरोजन कौन कौन इरोजन कर सकता है, ये देखो रेन, रिवर, आइस, विंड, ये, और ये क्या है, हाई माउंटेन कैन बी रिड्यूस टू द लो अंडर रेटिंग प्लेन्स कॉल्ड एज पेनी प्लेन्स, तो पेनी प्लेन्स में भी होता है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है नॉर्दर्न यहाँ पे कनाडा में, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, कौन से रिवर की बेसिस है दुनिया भर में, देखो एशिया में देखते हैं, उसके बाद यूरोप में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, ऐसे कंटिनेंटल वाइज देखते हैं, जिसमें सारे कंटिनेंट कवर हो गए, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं और अंटार्कटिका, वहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो है पर अंटार्कटिका में कुछ नहीं। अब देखो सबसे पहले एशिया में क्या क्या है, इंडस जो कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में, दूसरा कौन सा, इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्र जो कि चाइना में ब्रह्मपुत्र है और हमारे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, गंगा तो फुल फ्लेज उत्तर से निकलती थी बट से बाद में हमें और बांग्लादेश में, ये भी बांग्लादेश में जाती है, तो ये इतने देशों से जाती है। उसके बाद क्या है, यांगत से, यांगत से रिवर कहाँ पे, चाइना में, ये क्या हंगवे, ये भी चाइना में, ये ओब, ये देखो ओब
इड़तीस जोरी वाली वो पुतिन भाई से पास थी रशिया में, मेकोंग रिवर है ये मेकोंग कॉरपोरेशन भी खोला गया है इंडिया बांग्लादेश और काफ़ी देशों से मिला के। तो ये मेकोंग जो है साउथ ईस्ट एशिया में ही, और ये क्या है यूरोपस यूरोफेट्स टाइगर्स रिवर, ये भी एशिया में आती है, ये कहाँ पर आती है मिडिल ईस्ट में, कौन से इराक ईरान वहाँ से आती थी। दूसरा यूरोप में, यूरोप में कौन से है, डुनेव रिवर है, उसके बाद राइन रिवर है, इसके बाद रोन रिवर है, उसके बाद पोन रिवर है, पो और उसके बाद डॉन रिवर है। मैंने आपको एक बार पूछा था क्लास में क्वेश्चन कि देखो हमारे देश में डॉन क्या है, डॉन शाहरुख खान है, और जो पुराना नाम अमिताभ बच्चन था। पाकिस्तान में एक अखबार है उसका नाम डॉन है, और यूरोप में एक रिवर है उसका नाम डॉन है। तो डॉन थ्री, ये तीन डॉन को याद रखना है आपको, समझ रहे हैं ना। ये डॉन जो है यूरोप में एक रिवर है, और पाकिस्तान में क्या एक ये न्यूज़पेपर है डॉन, और हमारे यहाँ पे डॉन तो हमारा ये शाहरुख खान। उसके बाद आगे अफ्रीका में, अफ्रीका में नाइल रिवर है, वहाँ पे मुझे बताओ दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी और लार्जेस्ट कौन सी, कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो कि लार्जेस्ट कौन सी, दूर लंबाई किसकी ज़्यादा है, और दूसरी को लॉन्गेस्ट मतलब क्या, नहीं सॉरी लार्जेस्ट मतलब क्या, सबसे बड़ी कौन सी वॉल्यूम के हिसाब से, और लार्जेस्ट मतलब क्या, लार्जेस्ट हो गया ये बड़ी, और लॉन्गेस्ट मतलब क्या, जिसकी लंबाई किसकी जो दूरी वो किसकी सबसे बड़ी। ये दोनों है ना, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये इस ये जो रिवर है सारे के सारे, देखो ये इसमें से कोई दो ही, आप इसको आंसर मिल लेना। तो सबसे पहले क्या है अफ्रीका में नाइल रिवर, उसके बाद कॉन्गो देश है, कॉन्गो रिवर भी, कॉन्गो रिवर नाइगर भी देश है रिवर भी, ये क्या है सिम्बेजी ये भी रिवर है, ऑरेंज ये भी रिवर है। उसके बाद साउथ अमेरिका में कैसे कौन सी, अमेजोन, अमेजोन सबसे बड़ा है, अमेजोन को आपको पता है जंगल उधर, अमेजोन रिवर है वहाँ पे। उसके बाद ये पराना पराग रिवर है, ये भी साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में कौन सी रिवर है, मिसिसिपी और मिसोरी रिवर है, कोलोराडो रिवर है। इसके बाद क्या है सेंट लॉरेंस, लॉरेंस रिवर है, यूकॉन रिवर है, और मैकेंजी रिवर है। तो ये सारे जो रिवर है ना इसके बेस, मतलब हम कहते हैं रिवर बेसिन, मतलब क्या ये रिवर है उसका बेस बेसिन भी वहाँ पे जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होता है। तो इस तरह से हमने दुनिया भर के रिवर्स में ये देख लिया और प्लेन भी देख लिया, तो इस तरह से हमने प्लेन भी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से हमने हमारा जो ये चैप्टर था 14 नंबर का, जिसमें हमने माउंटेन बिल्डिंग जो है प्रोसेस, उसमें हमने माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स इन सबको देख लिया। माउंटेन्स में हमने माउंटेन के चार टाइप के माउंटेन्स देखे, उसके बाद इसमें माउंटेन्स में चार टाइप के कौन से थे, सबसे पहले फोल्ड माउंटेन, दूसरा था ब्लॉक माउंटेन, तीसरा था वॉल्केनिक माउंटेन, और चौथा था रेसिडुअल माउंटेन। उसमें ये बनते कैसे, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ये फोल्ड माउंटेन इसको ये ट्रू माउंटेन भी होते हैं, इसको यंगेस्ट माउंटेन होते हैं और ट्रू माउंटेन होते हैं। ये बनते कैसे, कंटिनेंटल कंटिनेंटल कन्वर्जन और कंटिनेंटल ओशनिक कन्वर्जन, इसके हमने दुनिया भर के एग्जांपल देखे थे, रॉकेट से लेके हमारे इंडिया का उससे। इस पे आते क्वेश्चन आपको, ये एग्जांपल और ये बने कैसे, इसके पीछे बैकग्राउंड, इस पे क्वेश्चन देखना है। ब्लॉक माउंटेन भी देखे हमने दुनिया भर के, उसमें होस्ट होता है और ग्रेबन होता है, ऊपर जो होस्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। इसमें भी आपको उसके एग्जांपल कुछ देखना है, उसके बाद वोल्केनिक माउंटेन के एग्जांपल देखने और रेसिडुअल माउंटेन की भी एग्जांपल देखनी। बाद में हमने देखा प्लेटू, प्लेटू में हमने दो टाइप के प्लेटू देखे, पहला था टेक्टोनिक प्लेटू और दूसरा कौन सा था, दूसरा कौन सा था प्लेटू, और दूसरा था डिसेक्टेड प्लेटू। तो ये दोनों टाइप हमने देख लिए, उसके भी एग्जांपल है, ये भी आप कर लो, उस पर भी क्वेश्चन आती है। और तीसरा था प्लेन्स, तो प्लेन्स जो है दुनिया भर के प्लेन्स हमने जो लास्ट स्लाइड में देखे, उसको भी आप पॉज करके पूरा एक बार उसको पढ़ लो। तो एक बार वापस एक बार एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, ये हमारा अगर अर्थ मतलब ये अगर क्रस्ट है, अगर ऐसा कोई पार्ट है जिसको लार्ज बेस है और ऊपर समिट है उसको माउंटेन बोलेंगे, ऐसा कोई पार्ट है जिसको लार्ज बेस है पर जो ऊपर जो समिट नहीं है वो प्लेन है उसको टेबल लैंड है उसको प्लेटू बोलेंगे, और ऐसा कोई पार्ट है जो ऊपर उठा हुआ है लो लैंड लैंड मतलब उसका हाइट कम है और 200 मीटर से कम है इसको प्लेन बोलेंगे। तो इस तरह से हमने तीनों चीज़ें देख ली, और हमने अभी जो मॉर्फोलॉजी जो हमारा सेकंड यूनिट है इसका, इस तरह से माउंटेन बिल्डिंग वाला जो चार नंबर का टॉपिक है इसको चैप्टर उसको भी खत्म कर लिया। तो आगे चलते हैं, आगे ये टॉपिक हमें देखना है आज जियोसिंक्लाइन, इसको देखते हैं और फिर कल से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी एकदम ये शॉर्ट और कंसेप्ट बहुत, इसको एक बार एकदम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, बाद में ये डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लो। देखो ये थ्योरी के हिसाब से कुछ लोग हैं उनका ऐसा बोलना था, उनका बोलना देखो ये जो है हमने क्या देखा था ओशन कंटेंट कन्वर्जन और ये कन्वर्जन अलग अलग कन्वर्जन होती है। इनका बोलना क्या है कि जब एक प्लेट नीचे सबडक हो जाती है ना, ओशन प्लेट नॉर्मली ओशन प्लेट हीवर होती है सबडक हो जाती है और कंटेंटल प्लेट ये ऊपर उठ जाती है, तो वो जब सबडक हो जाती ना तो इसका ओशन के नीचे क्या होता है, ओशन के नीचे ना बहुत बड़ा ये मड होता है, ये जो मड है ना ये इसके नीचे आ जाता है कंटेंट के नीचे। अभी आप देखो समझ लो एक बार, यहाँ पे ओशन है यहाँ पे कंटेंट है, ये ओशन कंटेंट यहाँ पे देखो वाटर, यहाँ पे एक प्लेट है यहाँ पे एक प्लेट है, दोनों का कन्वर्जन हो गया। जैसे कन्वर्जन हो गया ये नीचे चली गई ये ऊपर उठ गई, यहाँ पे बने माउंटेन। अभी इसका जो नीचे जो मलिदा था ना कौन सा मडवर्ड, ये इधर खिसकता है। इनका बोलना है कि ओशन के नीचे जो मतलब ये होता है मडवर्ड होता है ये ना नीचे ऐसा खिसकता रहता है, और ये किसके नीचे आता है कंटेंट के नीचे। अब ये जो कंटेंट है वापस ये कंटेंट जो है इसके नीचे वापस अगर देखो यहाँ पे वो तो ओशन रहेगा, यहाँ पे ये प्लेट है ये मड तो इधर आ गया, ओशनिक सेडिमेंट बोलते हैं उसको, वापस अगर इधर कन्वर्जन हो जाएगा या कुछ भी हो जाए
या देख जैसे अभी ये कंटिनेंट है, अब इसको आप यहाँ पे ले लो, अब ये कंटिनेंट है ऊपर, यहाँ पे माउंटेन बना हुआ है और नीचे क्या है उसके नीचे प्लेटिंग, और ये जो नीचे सेडिमेंट कौन सा आया अभी, ये ओशन वाला जो है हमने देखा किसक किधर आया है अभी यहाँ पे, वो किसान किसका वाला, ये प्लेट है अगर इसमें कुछ कांड हो जाता है, जैसे मान लो इधर कन्वर्जन हुआ डाइवर्जन हुआ, इससे अगर नीचे लावा ऊपर आ जाता है इसके अंदर वाला, ये क्रस्ट ब्रेक हुआ और लावा ऊपर आया, तो ये जो लावा यहाँ पे एक्मेट हो जाता है उस कंटिनेंट के ऊपर, कंटिनेंट के माउंटेन के ऊपर, अगर यहाँ पे यहाँ से निकलता है ये लावा तो ये बाद में ठंडा हो जाएगा, तो बाद में अगर ये लावा है ना इसका अगर केमिकल कंपोजिशन चेक करेंगे इस रॉक का, तो वो ना इधर वाला जो रॉक है ना उसका और इसका सेम आएगा। इसका मतलब जैसे हमने फोल्ड माउंटेन में देखा कि जो माउंटेन्स के ऊपर जो ये जो रॉक होती है ना वो मराइन ओरिजिन की होती है, मराइन मतलब क्या नीचे वाली, इसका मतलब नीचे जैसे जैसे कि अगर ये क्या बोलते इसको, ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे यहाँ पे जो समंदर है ये ओशन क्रस्ट है और ये कंटिनेंटल क्रस्ट है, समंदर के प्लेट है नीचे और ये क्रस्ट है, तो समंदर के अंदर नीचे वाला जो मेड है ये ऐसे ऐसे इधर आता है, उसके बाद इधर दोनों का इन दोनों का कन्वर्जन हो गया, उसके बाद ये ऊपर उठ गया या माउंटेन बना, तो माउंटेन के साथ इधर नीचे वाला जो मलिदा ऊपर आया ना तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है इसका सेडिमेंट होता है, तो उसी को बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। समझ गए, जियोसिंक्लाइन इज अ नैरो लॉन्ग नैरो बट शालोएस्ट वाटर डिप्रेशन कैरेक्टराइज बाय सेडिमेंटेशन एंड सब्सटेंसेस, मतलब इधर जो लॉन्ग नैरो ये वाटर डिप्रेशन होता है ये जो इधर खिसकता रहता है इसको बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। ये देखो जियोसिंक्लाइन किसने इसका इजाद किया था, इनमें से क्या था जियोसिंक्लाइन, देखो यहाँ पे जियोसिंक्लाइन कंसेप्ट वाज डेवलप बाय द अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, उसका नाम क्या है जेम्स हॉल एंड जेडी डेना, इन दोनों ने किया था, उसके बाद ये फर्स्ट टू कन्वेंस द आइडिया ऑफ सिंकिंग ऑफ जियोसिंक्लाइन एंड देयर रिलेशन टू ओरिजिन, डेना वाज द फर्स्ट टू टर्म यूज द टर्म ऑफ जियोसिंक्लाइन। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि जियोसिंक्लाइन जो है ये किसने ईजाद किया था, तो ये जेम्स डेना इसने किया था। और एक चीज़ हमें याद रखनी है वो है पामिर नॉट, पामिर नॉट क्या होता है देखो, पामिर नॉट देखो ये बड़े बड़े माउंटेन है हमारे यहाँ पे, ये देखो ये माउंटेन के हिमालय है, वैसे इधर भी माउंटेन रेंज है, इधर भी माउंटेन रेंज है, हिंदू कुश यहाँ पे भी माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है, अभी सारे माउंटेन रेंज ना इनकी ना एक जगह ये एक घाट से बंधे हुए, इसको घाट बोलते हैं, ऐसा आप इमेजिन करो इसकी घाट है यहाँ पे, समझ रहे, तो एक लैंड फॉर्म है ऊपर उठा हुआ, एक ना तजाकिस्तान नाम का देश है वहाँ पे एक लैंड फॉर्म है, समझ रहे, उसको बोलते हैं पामिर नॉट, तो ये क्या है अपलैंड पोर्शन है, इट इज़ नॉट एज ऑल माउंटेन, समझ रहे, मतलब ये जो सारे एशिया में साउथ एशिया में हमारे यहाँ पे जो सारे माउंटेन हैं एशिया में और यूरोप में वो जो है ना वो एक जगह है ना उसकी गांठ बंधी हुई, सारे का जो एक एक मतलब एक हिस्सा यहाँ पे जाको यहाँ से ओरिजिन, मतलब ऐसा मान सकते हो आप यहाँ एक फिक्स है एक गांठ से वो बंधे हुए सारे सारे एक दूसरे से, ये जो गांठ है ना ये कहाँ पे, ये तजाकिस्तान देश में और ये ऊपर उठा हुआ पोर्शन में, इसी को बोलते हैं पामिर नॉट बोलते हैं, इसको और एक नाम बोलते हैं कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोलते हैं रूफ ऑफ वर्ल्ड, और ये कवर्ड होता है स्नो से, कवर्ड होता है पूरे साल भर, तो ये कौन सी जो माउंटेन रेंज है इससे बंधे हुए, तो देखो ये तियांशान है माउंटेन रेंज है, उसके बाद क्या है काराकोरम माउंटेन रेंज, कुल्लू क्या है कुल्लू शाह ये भी है, और हिंदू कुश ये जो सारे सारे माउंटेन रेंज है ये इससे बंधे हुए, समझ गया, तजाकिस्तान का नाम का एक देश है जिसमें एक अपर उठा हुआ पोर्शन है जो कि स्नो से ढका होता है, वो है ना ये उसके आसपास के जो मतलब एरिया में जो है एशिया में जितने भी माउंटेन है ना वो उधर से कनेक्टेड है लिंक है उधर उसकी उनकी गांठ बंधी हुई, तो वो जो नॉट है उसको गांठ को नॉट बोलते हैं, वो नॉट को बोलते हैं पामिर नॉट, समझ गया, तो इस तरह से हमने जियो सिंक्लाइन में देख लिया। तो अभी देखो हमने ये कहा आज ये माउंटेन बिल्डिंग इसमें माउंटेन प्लेटो और प्लेन्स और जियो सिंक्लाइन ये देख लिया, कल कल नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट देखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, इन्जॉय, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइट में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।